नमस्कार, मैं अमित चौधरी अंतिल न्यूज से, और आज हम पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की मशहूर गायिका लिटिल चैम सारेगामापा की बहुत अच्छी प्रत्याशी भी रही है और बहुत अच्छा उनका कंठ है, गला है, और गायक ठाकुर अनन्या सिंह हमारे साथ है गोरखपुर से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अनन्या, आज इस अलग रूप में हम आपको देख रहे हैं, क्या कोई कुछ आपका मन है सेना में भर्ती होने का या कहीं किस लिए? मैं सेना में भर्ती तो नहीं हो सकती, इतना हिम्मत हमारे सेना के आर्मी मैन के पास ही है। और वुमेन में भी हिम्मत है, ऐसा नहीं है कि नहीं? आर्मी मैन, आर्मी वुमेन। यस जी जी, बताइए। दरअसल हम सब जैसा कि जान रहे हैं कि पुलवामा में जो घटना हुई, पूरा देश हताश है उसकी वजह से, और पूरा देश एकदम भारत माता के लिए अंदर से एक आक्रोश, पाकिस्तान को ख़त्म करने का, पाकिस्तान जितने भी आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमला किया, पीठ पीछे वार किया, उसको लेकर जो आक्रोश है भारतवासियों में, वो जल्द ही मोदी जी उसका कुछ ना कुछ इलाज जरूर करेंगे। भारत सरकार के लिए आप कोई संदेश देना चाहोगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी, सरकार को, सिस्टम को कोई संदेश इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में? संदेश में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय मोदी जी खुद सक्षम है और उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। आपको विश्वास है पूरा उन पर? मुझे पूरा विश्वास है उन पर, उनकी पूरी टीम पे विश्वास है। वो जो करते हैं अचानक से करते हैं और दमदार करते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, और तूफान के पहले शांति का होना जरूरी है। बिल्कुल, जैसा कि अनन्या सिंह ने बताया, तूफान से पहले शांति का ये माहौल आप देख ही सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरान बहुत बौखलाए हुए हैं। वो कहते हैं कि हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा कुछ सुनने में आया, इमरान खान प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान के, तो वो हमें डरा रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, पाकिस्तान के लिए या फिर आतंकवाद के लिए, आप किसको जिम्मेदार समझती है? आप अपने खुद के पर्सनल मौलिक विचार बताइए। मैं, सीधी सी बात है, आखिर अगर आतंकवाद है तो पाकिस्तान की पनाह में है। जी, पनाह में है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी भी उसमें शामिल हैं, शरीक हैं। जी जी, बिल्कुल शरीक हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश के भी कुछ ऐसे गद्दार हैं जो उसमें शरीक हैं। जी, और क्योंकि 300-400 किलो का बारूद उड़ के तो इंडिया में आ नहीं सकता जी, है ना? कहीं ना कहीं कश्मीर के लोग भी, जैसा कि धारा 370 है, हमारी आर्मी उनके ऊपर, उनका एनकाउंटर नहीं कर सकती, बहुत सारी विडम्बना है, तो भारत सरकार को इस बारे में क्या कहोगे जो हमारी सेना के ऊपर पत्थर बरसाते हैं? कुछ नेता लोग कह देते कि भटके हुए नौजवान हैं, उनको समझाएंगे। पत्थर, इतना बड़ा पत्थर मारा जाता है कि हमारे कई सैनिक मर भी चुके, शहीद हो चुके हैं, तो बड़ी दर्दनाक मौत होती है पत्थर से। तो उन पत्थरबाजों के लिए क्या इंतजाम करना चाहिए भारत सरकार को, आपके क्या विचार है? इंतजाम जो भी कर सकती है वो हमारी सरकार ही कर सकती है, हम सिर्फ कह सकते हैं। तो जी चलिए, अब ये बता दीजिए कि आपके हाथ में तिरंगा है जो हमारा नेशनल फ्लैग है, और आपकी जो वर्दी है वो एक सैनिक की है, इस वर्दी को सल्यूट करना हमारा कर्तव्य, धर्म, फर्ज, सब कुछ है, लेकिन आज आपने वर्दी क्यों पहनी? मैंने एक गीत की रिकॉर्डिंग करी है हमारे देश के जितने भी जवान शहीद हुए हैं जी, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में, और एक ऐसी वो उस गीत में जी, उस गीत के माध्यम से मैं सारे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए और पूरे देशवासियों के लिए एक मैसेज है जी, और जितने भी हमारे आर्मी के वुमेन और मैन जो भी हैं उन सब के लिए भी एक मैसेज है, और उनको जज्बा इस गीत के जरिए जरूर आएगा। अनन्या, दो लाइन उस गीत की जरूर आप हमारे श्रोता अंतिल न्यूज के माध्यम से हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत है वो? जी, गीत है जिसके लेखक श्री रानू जॉनसन जी हैं जी, तो मैं उस गीत को दो लाइन जरूर गुनगुनाना चाहूंगी। तुम न रोको कदम को बढ़ाते चलो, तुम न रोको कदम को बढ़ाते चलो, अपने हाथ स्टूडियो भटनेर म्यूजिक के नाम से चैनल है जिनका यूट्यूब पर, वहां पे मैंने पटेल म्यूजिक स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग करी है, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर केजे सिंह हैं और प्रोड्यूसर मिस्टर गौरव नागर और मिस्टर ब्रह्मपाल नागर जी हैं, और मैंने इस गीत की का वीडियो शूट इस पोशाक में करना बेस्ट समझा, क्योंकि मैं उन शहीदों को ये श्रद्धांजलि के रूप में ये गीत अर्पित कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी,
ईश्वर आपकी आवाज़ को और अच्छा मिठास के साथ पूरी दुनिया में फैलाए और आपको बहुत करे अंतिल न्यूज़ से गायक।